नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं इनशेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के पिज्जा बेकिंग के मेथड्स के बारे में। जैसे आपने सुना होगा पैन पिज्जा होता है या स्क्रीन पिज्जा होता है, या डोमिनोज में एक अलग तरह का स्क्रीन पिज्जा होता है जिसपे डॉट 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 दिखाई देते हैं। तो हम तीन अलग अलग पिज्जा तीन अलग अलग मेथड से बेक करेंगे। तो हम यूज करेंगे पैन, जिसपे हम एक पैन पिज्जा पकाएंगे। दूसरा हम यूज करेंगे स्क्रीन, और तीसरा हम ये यूज करेंगे परफोरेटेड स्क्रीन। जैसा कि ये वाली स्क्रीन आमतौर पर डोमिनोज में यूज होती है, तभी आप देखते हैं कि डोमिनोज के पिज्जा के नीचे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, और पैन पिज्जा के लिए पिज्जा हट फेमस है। तो दोस्तों, अगर आप पिज्जा खाने के शौकीन हैं या आप पिज्जा बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो हमारा आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर आपको काम आएगी, और आप तीनों तरह के पिज्जा को अलग अलग तरह से पहचान पाएंगे और उनके टेस्ट में डिफरेंस भी पता कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं तीनों तरह के पिज्जा के बारे में। तो जो अपना पैन पिज्जा होता है, उसके बेस पे आप ऑलिव ऑयल या कोई वेजिटेबल ऑयल या बटर यूज करते हैं, उसके ऊपर पिज्जा रखा जाता है। तो जो पिज्जे का नीचे से टेक्सचर होता है, वो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से पराठे जैसा होता है। नीचे से मतलब थोड़ा सा ऑयली होता है और नीचे से हल्का सा सॉफ्ट होता है। तो जो पैन पिज्जा होता है, जैसे कि आमतौर पर पिज्जा हट बेचता है या बहुत सारी चेन बेचती हैं, तो वो आमतौर पर नीचे से हल्का सा सॉफ्ट होता है। वही हम बात कर लेते हैं स्क्रीन के बारे में। तो इस स्क्रीन पे क्योंकि आप ऑयल नहीं लगा सकते, तो इसका जो पिज्जा होता है वो नीचे से क्रिस्प होता है। जैसे कि आप देखते हैं तंदूरी रोटी होती है, तो उसी टाइप में स्क्रीन पे पिज्जा बनता है। स्क्रीन यूज करने का फायदा क्या है, जब आप इस पे पिज्जा रखते हैं और जो पिज्जा में मॉइस्चर पैदा होता है, जो स्टीम पैदा होती है, तो वो नीचे से निकल जाती है। तो इसमें पिज्जा नीचे से बिल्कुल क्रिस्प और सूखा हुआ बनता है। तो इस तरह का पिज्जा आप बोल सकते हैं नीचे से देखने में तंदूरी रोटी जैसा होता है। वहीं जो परफोरेटेड स्क्रीन है, ये दोनों के बीच की चीज है। तो ये आपको पैन पिज्जा का भी मजा देगी और ये आपको स्क्रीन वाले पिज्जा का भी मजा देगी। वो कैसे, क्योंकि हम इसको ऑयल भी कर सकते हैं और इसमें स्टीम एस्केप करने का भी रास्ता है। तो इसमें पिज्जा क्रिस्प भी बनता है और थोड़ा सॉफ्ट भी बनता है। तो ये दोनों के बीच की चीज हो गई। तो अब आपको पका के दिखाते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस आता है। तो उसके लिए, तो पकाने के लिए हम यूज करेंगे पिज्जा इम्पिंजर ओवन। तो ये एक तरह का कन्वेयर ओवन है, और इस ओवन में ऊपर और नीचे से गर्म हवा पिज्जा के ऊपर लगती है, और पिज्जा बहुत तेजी से बेक होता है। इसमें पिज्जा बेक करने में लगभग 6 से 7 मिनट लगती है, जबकि अगर आप डेक ओवन में पिज्जा बेक करते हैं तो लगभग 10 मिनट लगती है। और क्योंकि गर्म हवा बहुत तेजी से चलती है, तो वो पिज्जा में अंदर तक जाती है और अपना पिज्जा अंदर तक बेक होता है। तो हम इस साइड से अपने तीनों पिज्जा लगाएंगे और उस साइड से हमारे पिज्जा बाहर आएंगे, और फिर हम आपको पिज्जा को काट के नीचे से दिखाएंगे कि तीनों के अलग अलग पिज्जा में क्या डिफरेंस आता है। तो दोस्तों, पैन पे पिज्जा पकाने के लिए आपको इसको बटर से या किसी ऑयल से इसको ग्रीस करना होता है। तो हम अभी बटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला पिज्जा हम खुद खाएंगे। तो आप बटर, ऑलिव ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप बटर या ऑलिव ऑयल यूज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। तो आपको इसको इस तरह से ग्रीस करना होता है ताकि पैन पे मेरा पिज्जा ना चिपके। देखिए, हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसी तरह से जो परफोरेटेड स्क्रीन है, उसको भी ग्रीस करना होता है। अब जब मैं ग्रीस कर रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली चीज इन दोनों के बीच की चीज है, ये दोनों का मजा देगी। इस तरह पे, इस स्क्रीन पे किसी तरह का कोई बटर या ऑयल नहीं लगाया जाता है, तो इसका पिज्जा नीचे से बहुत ही क्रिस्प बनता है। और इस पे लगाने में आपके थोड़े से पैसे भी बचते हैं, कम से कम 1 रुपए का बटर तो आपका बचेगा ही। तो दोस्तों, ग्रीस करने के बाद हमने अपना पिज्जा रख लिया है। आप देख सकते हैं कि जो अपना पिज्जा है, हम रेडीमेड यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद का बेस बनाया है और हमने अपना पिज्जा प्रिपेयर करा है। तो अगर आप अच्छा पिज्जा का टेस्ट लेना चाहते हैं या अपने कस्टमर को अच्छा पिज्जा का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इसी तरह का पिज्जा बनाइएगा जिसमें आप फ्रेश डो का इस्तेमाल करें। अगर आप रेडी डो का इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा सूखा होता है, और उसमें कुछ केमिकल भी होते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट अजीब सा होता है। लेकिन अगर आप फ्रेश डो यूज करेंगे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आपके कस्टमर इसको पसंद करेंगे। या आप कहीं भी पिज्जा खा रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको फ्रेश डो वाला पिज्जा ही खाना है, तो आपको अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप रेडी डो का पिज्जा खाएंगे तो आपका कोई टेस्ट नहीं आएगा, वो बिल्कुल सैंडविच की तरह होता है। तो दूसरा, हमने अपनी परफोरेटेड स्क्रीन पे अपना पिज्जा रख लिया है। ये भी हमने फ्रेश डो यूज किया है, और ये क्योंकि हमने बताया था कि ये पैन और स्क्रीन दोनों के बीच का होता है, तो हम पकने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसा आता है। और स्क्रीन पे पिज्जा को इस तरह से रखना होता है। आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर बनेगी वो नीचे से निकल जाएगी और पिज्जा मेरा बिल्कुल क्रिस्प बनेगा। तो जो कुछ आपने सुना होगा कि स्टोन पे भी पिज्जा पकाया जाता है,
तो इस तरह के कन्वेयर में स्टोन पे पिज्जा पकाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो अपनी ये स्क्रीन होती है वो स्टोन वाला ही इफेक्ट पिज्जा में लेके आती है। तो दोस्तों अब हम अपने तीनों पिज्जा लगाने जा रहे हैं और आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों अब हम वेट करते हैं तीनों पिज्जा का पकने का और बीच में हम कुछ बात कर लेते हैं पिज्जा के बारे में और भी। तो दोस्तों अगर आप कहीं पिज्जा खाते हैं या अगर आप पिज्जा बिजनेस कोई खोलना चाह रहे हैं तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो जैसे जो पिज्जा कटर होते हैं वो दो होने चाहिए। वेज के लिए आप ग्रीन कलर का पिज्जा कटर रख सकते हैं और नॉन वेज के लिए आप रेड कलर का पिज्जा कटर रख सकते हैं, ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो, ताकि वेज वाले कंप्लेन ना करें कि आप एक ही कटर से दोनों पिज्जा काट रहे हैं। तो हमेशा इस तरह से दो कटर होने चाहिए। तो अगर आप कहीं पिज्जा खा रहे हैं या आपका पिज्जा रेस्टोरेंट है तो आप ये ध्यान रखिएगा, अपने वर्कर को अच्छे से समझाएं कि इस तरह के दो अलग अलग कटर होने चाहिए, वेज को ग्रीन से काटना है और नॉन वेज को रेड से काटना है। वहीं हम बताएंगे कि पिज्जा का पैन बहुत गर्म होता है और उसको उठाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए पिज्जा ग्रिपर का इस्तेमाल किया जाता है। पिज्जा ग्रिपर से इस तरह से पिज्जा उठाना बहुत ही आसान होता है। तो जब पैन में बेकिंग होती है तो आप ये वाला इक्विपमेंट भी वहां पे देखेंगे, या अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और पैन पिज्जा बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला इक्विपमेंट भी लेना चाहिए। वहीं ये वाली चीज है पिज्जा पील, क्योंकि अगर आप पिज्जा बेक कर रहे हैं तो पैन को तो आप ग्रिपर से उठा लेंगे, लेकिन अपने स्क्रीन के पिज्जा को उठाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप ओवन से अपना पिज्जा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी हो गई। अब अपना पिज्जा पकने ही वाला है तो हम आपको तीनों में डिफरेंस दिखाएंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस आया है। तीनों को साइड बाय साइड रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस आया और उनके टेस्ट का डिफरेंस भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब अपने पिज्जा पक के रेडी हो चुके हैं, तो हम इन पिज्जा को बाहर निकालेंगे और आपको स्लाइस करके दिखाएंगे कि पिज्जा का बेस किस तरह से आया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पिज्जा रेडी है। तो हमारा ये वाला पिज्जा वेज पिज्जा है, इसीलिए हम इसको ग्रीन वाले पिज्जा कटर से कट करेंगे। तो अब हम इसको आपको नीचे से दिखा रहे हैं कि पैन वाला पिज्जा किस तरह से आया। तो दोस्तों ये अपना पैन वाला पिज्जा आप नीचे से देख सकते हैं, इसका पराठे जैसा टेक्सचर है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी है। तो मैं थोड़ा खा के भी देखता हूँ। अब हम बाकी दोनों पिज्जा भी देखते हैं कि उनका टेक्सचर नीचे से कैसा है। तो दोस्तों अब स्क्रीन वाले पिज्जा की बारी है, तो हम आपको इसका टेक्सचर ऐसे ही दिखा देते हैं। तो हम इसको कट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो इम्पिंजर ओवन होता है उसमें पिज्जा बहुत ही क्रिस्प पकता है, बहुत ही अच्छे से अंदर तक बेक होता है। और आप काट रहे हैं तो शायद आप उसकी आवाज भी सुन पा रहे हैं। तो जो मेरा स्क्रीन का पिज्जा है वो नीचे से एकदम तंदूरी रोटी की तरह होता है और नीचे से बहुत ही क्रिस्प होता है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तंदूरी रोटी की तरह इसका टेक्सचर आया है। तो दोस्तों हम बार बार बात कर रहे थे कि आपको अलग पिज्जा कटर क्यों यूज करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इस पे टॉपिंग और चीज पे लग गई है। तो अगर आप इसी पिज्जा कटर से नॉनवेज पिज्जा काटेंगे तो सही नहीं होगा, वो एथिकल बिजनेस नहीं होगा। और अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा जो आपका पिज्जा रेस्टोरेंट है वो दोनों तरह के पिज्जा के लिए अलग अलग कटर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अब हम आपको अगले वाला पिज्जा भी काट के दिखा देते हैं। आप सुन सकते हैं पिज्जा कितना क्रिस्प बना है और आप इसको कटने की आवाज बिल्कुल क्लियरली सुन सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि डॉट डॉट आए हैं। तो ये पिज्जा दोनों पिज्जा के बीच का पिज्जा है, तो मतलब ये आपको पैन पिज्जा का भी मजा देगा और ये आपको स्क्रीन वाले पिज्जा का भी मजा देगा। तो अगर आप अच्छा पिज्जा बनाना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोगों को खुश करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की स्क्रीन पे अपना पिज्जा बेक कर सकते हैं। इसे कुछ लगभग इसी तरह की स्क्रीन डोमिनोज में भी यूज की जाती है। तो दोस्तों आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको काम की लगी होगी। अगर आप पिज्जा बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और इस ओवन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में अपना वीडियो इस ओवन के बारे में डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पिज्जा एक्सेसरीज के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो भी हमने कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, या ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पिज्जा के पूरे बिजनेस सेटअप में इंटरेस्टेड है या कुछ और पिज्जा स्टोर देखना चाह रहे हैं जो हमने खुलवाए हैं तो उन वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वाले वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं या फूड बिजनेस से जुड़े हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं या शेफ हैं,
तो हमारे इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस YouTube चैनल की दी गई सारी वीडियो आपको जरूर काम आएंगे। हम अपने प्रचार कम करते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको ज्यादा देते हैं, तो आप आशा हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।